midday morning show. So all of this that you choose on the website, that algorithm will create the amount for you, that for, say, breakfast at Tiffany's, if 80 people agree to come and watch it at 350 rupees, then your event is done. That's all? So I'm just giving you a random example. So every film and all the parameters will decide what is the money and the number of people that you need. Thank you. पर नहीं देख पाते हैं ऐसी कुछ फिल्में इस इनिशिएटिव के माध्यम से लोगों को दिखाई जाएंगी और मुझे लगता है बहुत कमाल का इनिशिएटिव है मुझे लगता है बहुत नया आइडिया है बिकॉज बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत पहले रिलीज हुई हों या किसी कारणवश आप बड़े स्क्रीन पर ना देख पाए हों ज़रूर आप फिल्में आज इंटरनेट का दौर है DVD का दौर है आप ज़रूर देख लेते हैं लेकिन वो आप अपने लैपटॉप पर या अपने घर पर देखते हैं और बहुत सारी फिल्में देखिए फिल्म देखने का मज़ा जो है बड़े स्क्रीन पर और लोगों के साथ में फिल्म देखना का जो आनंद है वो दो लोगों के साथ में अकेले लैपटॉप पर नहीं लिया जा सकता है तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव बहुत कामयाब होगा बिकॉज ऐसी ढेरों फिल्में हैं जो लोग बड़े स्क्रीन पर लोगों के साथ देखना चाहेंगे नहीं बहुत सारी फिल्में हैं यार ऐसी तो गिनवाने में तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा बहुत सारी फिल्में मैं अभी किसी से कह रहा था कि मैंने चार्ली चैपलिन की कोई भी फिल्म बड़े स्क्रीन पे नहीं देखी है तो मुझे अगर द मॉडर्न टाइम और द ग्रेट डिक्टेटर बड़े स्क्रीन पे देखने को मिले तो बहुत मज़ा आएगा मैंने 2 बीघा ज़मीन विमल रॉय की कमाल की फिल्म है जो मैंने बड़े स्क्रीन पे नहीं देखी है मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि उसको बड़े स्क्रीन पे देखूं और सिर्फ मेरी बात नहीं है यू नो मेरे बाद की जनरेशन की बात है तो मैं चाहूँगा मैं अपने बेटे को लेकर आऊँ जैसे मेरे बेटे ने शोले बड़े स्क्रीन पर नहीं देखी है और मुझे लगता नहीं कि शोले बिना बड़े स्क्रीन पर देखे आप शोले का यू नो पूरा मज़ा उठा सकते हैं तो मैं चाहूँगा ऐसा इनिशिएटिव हो जहाँ अपने बेटे को लेकर आऊँ या उसके दोस्तों को लेकर आऊँ कि ऐसी कमाल की फिल्में ऐसी लेजेंडरी फिल्में जो माइलस्टोन है सिनेमा के इतिहास में उनको बड़े स्क्रीन पे देखने का मौका मिले जैसे मैंने पल्प फिक्शन भी देखी नहीं है बड़े स्क्रीन पे तो मुझे आज वो देखने का मौका मिलेगा तो आई एम वेरी हैप्पी है सर अगर एक बात करें तो कई समय पहले एक न्यूज़ आई थी ऐसे जहाँ गुरुदत्त साहब की एक जो मूवी है वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में और ऐसी कई मूवीज़ है बॉलीवुड की जो अभी अवेलेबल नहीं क्योंकि अब प्रिंट वो बहुत पुरानी हो चुकी है रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है होम डिस्ट्रीब्यूशन होम एंटरटेनमेंट में तो आपको लगता है इस इनिशिएटिव के थ्रू ये बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल ये पॉसिबल है और मुझे पता नहीं पूरा प्लान क्या है इस इनिशिएटिव का बट बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं जो किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाती जी है ना जिसको हम लोग इंटरनेट पे डाउनलोड करके देखते हैं बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कैन में पड़ी हुई हैं बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट करके आती हैं लेकिन हिंदुस्तान में उनको सिनेमैटिक रिलीज नहीं मिलता है जी तो मुझे लगता है ऐसी फिल्में भी दिखाई जा सकती हैं थैंक यू
ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यूअर्स को ये चॉइस दी जाती है कि वो कौन सी फिल्म अपने पसंद के सिनेमा हॉल में अपने कन्वीनियंट टाइम और दिन पर देखें। अभी तक आप सिर्फ वही फिल्में देखते आ रहे हैं जो हमारे देश में रिलीज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आप हो सकता है चाहें कि बड़े हॉल में देखें अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मूवी क्लब में। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये चॉइस देता है, ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम देता है। पहले तो आप ऐसा करें कि पहले आप लोग तो चुप हो जाइए भाइयों। Is there anyone from your PR team here? Yes. उनको जरा चुप करने को बोलेंगे पीछे जो लोग। I think 1018 MB की खासियत ये है कि usually ये होता है कि जब फिल्म रिलीज होती है और जब जितने वक्त तक किसी थिएटर में लगी होती है आप उसी में देख सकते हैं। मुझ जैसे ऐसे कई लोग हैं जो बड़े पर्दे पर स्क्रीन बड़े पर्दे पर फिल्में देखना चाहते हैं मगर उनको मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो फिल्में बहुत पहले रिलीज़ होकर चली जा चुकी होती हैं। कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाती हैं या विदेशी फिल्में होती हैं आती नहीं हैं हिंदुस्तान में एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो आप देखना चाहते हो बड़े पर्दे पर बट आप नहीं देख पाते हो, DVD पे देखते हो या कभी आपको कुछ लोग पायरेसी में देखते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप अपने पसंद की फिल्म बड़े पर्दे पर इनफैक्ट जिस स्क्रीन पर आप देखना चाहते हो उस पर आप देख सकते हो। करना सिर्फ ये है कि आपको इस इंटरनेट साइट पे जाना है जो सौम्या ने लॉन्च किया है, 1018mb.com, जिसका आज लॉन्च है। एंड देन यू से दिस इज द मूवी आई वांट टू वॉच, दिस इज द थिएटर आई वांट टू वॉच इन and there are instructions of how you can do that. अरे ऐसी हजारों हजार फिल्में हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। एक्चुअली जब सौम्या ने मुझे बताया कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है तो मुझे लगा कि ये मेरे जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है जो फिल्म देखना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं यार, जो लैंग्वेज फिल्में हैं मुझे, जैसे कि स्पेनिश फिल्म्स हैं, फ्रेंच फिल्म्स हैं, बहुत सारी हैं, बॉस्नियन फिल्म्स हैं जो मैं देखना चाहता हूँ, जो मैंने ऐसी भी बहुत सारी फिल्में हैं वोंग कार-वाई की फिल्म्स हैं जो मैंने स्मॉल स्क्रीन पर देखी है मगर मैं चाहता हूँ कि उसको बड़े पर्दे पर देखूँ बिकॉज फिल्में बड़े पर्दे के लिए ही बनाई जाती हैं। और एक बात और कि ऐसी फिल्में हम ज़रूर फेस्टिवल्स में देखते हैं लेकिन हमें उन फेस्टिवल्स का इंतज़ार करना पड़ता है। विद दिस प्लेटफॉर्म हर दिन इज अ फिल्म फेस्टिवल, यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर इवेंट्स, दैट्स इट। यू आर टर्निंग अ बिजनेस वुमन विद योर दिस लॉन्च ऑफ योर, यू नो योर एक्टिंग इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, यू आर ऑलरेडी पॉपुलर, नाउ यू आर टर्निंग अ बिजनेस वुमन। जी कोशिश यही है, प्यार मोहब्बत फिल्मों से इतनी ज़्यादा है कि आइडिया आया भी तो इसी इंडस्ट्री का आया, इतना शौक है फिल्मों की और फिल्मों की दुनिया का। और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जिनको शायद ये जो फिल्में रिलीज़ हों शायद वो ना अच्छी लगे देखने में, तो फिर क्या करें, घर ही बैठे। और कई बार ऐसा होता है थिएटर बहुत दूर है घर से, तो फिर क्या करें। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को सोच कर ये आइडिया है। इम्तियाज यहाँ एज अ गेस्ट है, आपको लगता है उनके कहने से बात बहुत दूर तक जाएगी? बिल्कुल, मैं मेरे इंडस्ट्री की जर्नी इनकी फिल्म से शुरू हुई थी और उनका आना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद हिम एंड ही इज हियर, इट्स रियली रियली स्पेशल फॉर मी। थैंक यू। कोई एक मूवी जो आप वापस से अपने बिग स्क्रीन में देखना चाहते हो, फिर से एंजॉय करना चाहते हो, कोई एक ऐसी मूवी पर्टिकुलर आपकी फिल्मों से जो आपने बचपन में देखी हो? मैं शोले देखना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने जुनून देखी थी श्याम बेनेगल की। मैं मुगले आज़म फिर से देखना चाहता हूँ। ये तो पॉपुलर फिल्में हैं और राज कपूर की कोई कुछ पुरानी फिल्में हैं जैसे कि आग आन, नहीं उसके भी पहले की आवारा, तो फिर भी मैंने मतलब रिसेंटली कहीं ना कहीं आप फेस्टिवल में देख लेते हो। महबूब साहब की फिल्में हैं, बिमल रॉय की पुरानी फिल्में हैं जो जैसे कि उसने कहा था मुझे देखनी है, इस तरह की बहुत फिल्में हैं जो पुरानी हैं। जाने भी तो यारो, हाँ जाने भी तो यारो मैंने देखी है बिग स्क्रीन पे। तो बहुत सारी और बीच की बहुत सारी फिल्में होती हैं जो आप जो निकल चुकी होती हैं, जैसे कि कभी ऐसा भी होता है जैसे कि अपने दोस्तों की फिल्में होती हैं बट आप नहीं देख पाते बिकॉज आप शूट कर रहे होते हो।
तो इस तरह की फिल्में जो अब मिस हो जाती हैं वो भी आप देख सकते हो. तो मेरे तो मेरा लिस्ट मेरी लिस्ट तो बहुत बड़ी है. बहुत समय पहले ऐसी न्यूज़ आई थी कि गुरुदत्त साहब की कुछ मूवीज और कुछ जी 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 जो मतलब एब्सोल्यूट हो चुकी है क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी होम एंटरटेनमेंट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो अब ये इनिशिएटिव से या इनिशिएटिव से फिर से रीइग्नाइट हो. बिल्कुल बिल्कुल. जो पुरानी फिल्म है जो अब रिलीज मतलब 20 साल से नहीं हुई है या उनकी डीवीडीज भी नहीं है या है भी तो वो मार्केट में नहीं है, तो वो वापस और हो सकता है कुछ साल के बाद मेरी फिल्में भी कोई ऑर्डर कर ले तो वो एक एक डबल फायदा है. कोई नहीं करेगा तो मैं खुद ही ऑर्डर करके देख लिया करूँगा. जैसे मैं सोचा ना था देखना चाहता हूँ बड़े पर्दे पर यार, मैं खुद भी अगर देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा, बहुत मुश्किल है. शी कैन ऑर्गेनाइज इट. सुमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ विदेशी फिल्मों को हिंदुस्तान में बैन कर दिया है, तो अगर लोग देखना चाहें तो क्या उसे भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे इस 101 में? नहीं, उसकी कुछ लीगैलिटीज होती हैं कि उनको किन सर्कमस्टांसिस में दिखाया जाए, और कुछ उसकी परमिशंस भी होती हैं, कुछ फेस्टिवल लाइसेंसेस होते हैं, और कुछ होते हैं जो आप प्रीव्यू थिएटर में दिखा सकते हैं, कुछ आप कमर्शियल में नहीं दिखा सकते. तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो डिपेंड करता है फिल्म दर फिल्म. Okay, Imtiaz, the response to the tamasha is absolutely mind-blowing. What do you think, half the battle is gone, the people appreciating the promo, you know, everything appreciated by the audience, what do you think? There is nothing called the half battle, there's only the full battle which can either be lost or won. Hopefully people will like tamasha. Abhi, I was just talking to him saying that ye final stages pe hai post-production ke, so we are trying to make it as good as possible. Hopefully people will like it. The best compliment you got from the industry, sir? Anything which lifts you up? Right now I'm just thinking that she's feeling so nice that I'm here at this event. That's the recent and the best comment that I've got. Thank you so much. Thanks for being here. We will just go inside for a small...